उड़ी जा रही कमीनो, खड़ा कौन होगा? तुम्हारे काका होंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज नहीं है तुम लोग के अंदर। जल्दी खड़ा हो। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, बैठिए आप लोग। आप लोगों ने बहुत रहम किया गुड मॉर्निंग बोल के। आज चलिए, आज का विषय है संस्कृत। साला चौक लाते हो तुम लोग, क्या लाते हो? बच्चों ज्यादा बदमाशी हो गई तुम लोग की, अटेंडेंस ले लेते हैं आज का। चलो शुरू करते हैं। रामू आए सर जी, श्यामू आए दिख नहीं रहा, रेनू एब्सेंट, एब्सेंट हमेशा रहती है वो, कहाँ रहती है भाई, जानते हो तुम लोग उसको? किनारे को टाका का भिड़ा का इनका क्लास में, क्लास में कुकुर क्लास में सब नहीं होना चाहिए। समझत नहीं है बात। चलो चलो फिर से करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, लड़ाई मत करो तुम लोग। चलो विनय आए हैं सर जी, दिख नहीं रहा। पप्पू हाँ गुरु जी, पता है वो बेटा, बैठे रहो, तेवर ना दिखाओ। चलो बेटा अटेंडेंस हो गया तुम लोगों का, एक गुरु जी। चलो बच्चों फिर कल क्या पढ़ाया था आप लोगों को? संस्कृत का 8वां चैप्टर खोलिए। अरे गुरु जी कल होमवर्क दिए थे, पूछेंगे नहीं क्या? ज्यादा मेहनत की इतनी, क्या बोल दिया बे? पे पढ़ाकू हम बस चले, तू बाहर मिल, तुझे बताता हूँ बाहर मिलता हूँ। कल का कौन सा चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को? होमवर्क क्या दिया था बताइए? 8वें चैप्टर का सर, पादाभ्यान दिया था सर, याद कर लीजिए। अच्छा 8वां चैप्टर, अच्छा अच्छा तो सबको याद है? याद है, याद है हमको, याद है सर, पूरा याद है। याद नहीं का तुमको? बाहर मिलो बताई पे तुमका याद है कि नहीं याद है। पढ़ाया ज्यादा लगे हो आजकल, लगे रहो भैया, टाप मारे थे तुमका। अरे कहाँ चले आ रहे हो भैया, ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? अरे का बताएं सर जी, यूपी में 10 में से 8 लोग तो पान खाते हैं, जिसने ससुरा एक थूक दी हमारे ऊपर वहीं पे फिल्म बन गई, और फिर घर पे गए थे वहीं से फिर ड्रेस पहन के आए हैं। ऐसे कैसे फिल्म बन गई तुम्हारी? हाँ सब बच्चे तो यहाँ पे आए हुए हैं, बस तुम ही एक अकेले हो, इकलौते इस क्लास में, कितना लेट से हमेशा आते हो तुम, हमेशा तुम्हारा यही कहा नाम है। क्या है सुन नहीं सकता क्या? यहाँ यूपी है ये, भेजो तुम बाहर। बाहर क्या बुलाओगे यार, तुम आ गए हमारे लिए यही भाग्य की बात है। चलो बैठो क्लास में। चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का होमवर्क पूछ लेते हैं आप लोगों से। पप्पू गुरु जी चलो खड़े हो जाओ। हाँ बताइए, इस श्लोक का अर्थ बताओ तुम। हाँ गुरु जी पूछिए। मन्ने वादिका रास्ते माँ फलेशु कदाचना का अर्थ बताओ तुम मुझे, कल पढ़ाए थे ना, चलो बताओ। हमें नहीं मालूम है, हमसे पूछ रहे हो? हाँ गुरु जी याद आ गया, राधिका शायद रास्ते में फल बेचने का काम कर रही है। मूर्ख ये अर्थ नहीं होता, चल अब इसका अर्थ बता। बहुनी में तितानी जन्मानी तव चार जुना। भाई दन गुरु जी एक मिनट, हाँ अगवा, मेरी बहू के कई बच्चे पैदा हो चुके हैं और सभी का जन्म 4 जून को हुआ था। अरे यार
अरे मूर्ख अभी तुमको बताते हैं। बहुत सही बोले, बहुत सही। चलो इसका अर्थ बताओ तुम। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हाँ गुरु जी, इसका तो आता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय का। माँ तुम सो जाओ, मैं ज्योति से मिलने आता हूँ। तुम एकदम टोपा ही हो। गधे तुम संस्कृत पढ़ते हो कि घास चरते हो? चलो अब इसका अर्थ बताओ। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे तू जना के तजमा। अरे गुरु जी, इसका अर्थ क्या है? इसका दक्षिण में लक्ष्मण खड़े होकर बोला, जनक आज तू कल बहुत मजे में है। अरे पागल, तुझे एक भी श्लोक का अर्थ नहीं मालूम है क्या? मालूम है ना, तो आखिरी बार पूछता हूँ, इस श्लोक का अर्थ सही सही बताना। हे पार्थ, त्वया चपी मम चपी का अर्थ क्या है, जल्दी से बता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि शाबाश। बता क्या कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से? भगवान बोले अर्जुन से कि तू भी चाय पी ले, मैं भी चाय पी लूं, उसके बाद युद्ध करते हैं। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, लाइक करो या बाहर मिलो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब भी करो। ये इधर है भाई, घंटा बजा दिया इंडिया का।